थी, सबसे पहला होता है जन्म के आधार पर। यह बड़ा फालतू कानून बनाया गया था, एकदम रियल बोल रहे हैं, बिना सोचे समझे इस कानून को बना दिया गया, फालतू कानून। जन्म के आधार पर कहा गया कि कोनो भारत में आके जन्म ले लेगा ना तो भारत का नागरिक हो जाएगा। ससुरा पाकिस्तानी सब इसका मिसयूज करने लगा, सब आठ आठ गो पत्नी रखा सब, और क्या करता था, सबको लोड कर देता था सब, अब भारत में छोड़ देता था सब, आके यहाँ डिलीवरी हो जाता था उन सब को। अब हमारा कानून है कि भारत में जन्म लेगा किसी का भी बच्चा, वो भारत का नागरिक होगा। और ससुरा बड़ा होकर आतंकवादी बन जाता था, धाए 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 बम चलाता था। अब कहें से रे ससुरा ही तो बड़ी दिक्कत हो गया, भारत सरकार की नींद खुली। सोचिए कितना साल बाद, 55 में ये कानून बनाया है और 31 साल बाद 86 में समझ में आया कि भाई साहब गलती हो गया, ई का हो गया यहाँ पर। आप ही बताइए गलत कानून था कि नहीं। भारत में जन्म ससुरा कोनो ताज, कोनो प्रेग्नेंट औरत इंग्लैंड से आई ताजमहल देखने आई, ओहो ताजमहल है, तब तक पता चले एक हफ्ता में लड़का हो गया उसका आगरा में, अब वो इंग्लैंड का नहीं भारत का नागरिक होगा। तो भाई इसमें पहले था कि किसी को भी दे दिया जाएगा, लेकिन सरकार अपनी गलतियों को समझी और धीरे धीरे ही सुधार आता है। हम लोग एक गुलाम थे, आज़ादी मिला तो क्या चाहते हैं, एक के बार आप आइंस्टीन बन जाइएगा। तो 1986 में हम लोगों ने एक नियम बना दिया, नियम ये बनाया कि जो बचवा जन्म ले रहा है ना भारत में, उसकी माता या पिता में से कोई ना कोई एक कम से कम भारतीय रहना चाहिए, तभी हम उसको देंगे नागरिकता, नहीं तो पाकिस्तान आतंकवादियों को घुसा दिया इस एरिया में, धड़ाधड़ यहाँ आतंकवादियों का पूरा घुस गया सब, इतना एरिया में आतंकवादी पूरा घुस गए थे सब। अब राजा हरि सिंह को लग गया कि अगर हम अपना देश बनाने के लिए चलेंगे ना तो मेरा परिवार भी नहीं बचेगा, तो भागे भागे आए नेहरू जी के पास, है नेहरू जी बचा लीजिए हमको, पाकिस्तान मार रहा है। तो नेहरू जी कहे हाँ एकदम बचा लेंगे हम, है सरदार पटेल जी देखिए तो बचाइए इनको। तो सरदार पटेल कहे छोड़ दीजिए ओकरा, बड़का होशियार बनते थे, अलगे देश बनाएंगे, जो देश बना हमारा कौन चीज घटा लेके हम तोरा बचाने आएंगे, काहे लिए बचाएंगे। तो हरि सिंह ने कहा कि महाराज पटेल जी बचा लीजिए। तो सरदार पटेल ने कहा कि एक के शर्त पे बचेबो, पहले तुम साइन करो किस पर, एनेक्सेशन पर। तो उसने साइन किया इंस्ट्रूमेंटल ऑफ एक्सेशन, मतलब विलय पत्र पर साइन किया 26 अक्टूबर 1947 को कि हम अब भारत में मिल रहे हैं। तो सरदार पटेल ने कहा इन होशियारी हुआ, अब हम सेना भेजते हैं। तब यहां से भारत में सेना भेजा गया और भारत की सेना उनको खदेड़ दिया यहां पर। और भारतीय सेना उस समय बहुत ही बहादुरी से लड़ी थी, सबसे पहला सीरियल रेड क्लिफ। लेकिन इसी जियोड सेप को अंदरवा घुस के पड़िएगा, भोंक भांक के अंदर घुस जाइएगा, बकोट ओकोट के अंदर, इस सूरज ज्वालामुखी कहां से आ रहा है, भूकंप कहां से आ रहा है, इसके अंदरवा घुस जाइएगा ना, तो जियोड के अंदर घुस के अध्ययन को हम लोग जियोलॉजी कहते हैं, भूगर्भ विज्ञान जियोलॉजी, यानी ज्योग्राफी और जियोलॉजी दोनों जियोड में है, एगो ऊपर पड़ी एगो अंदर पड़ी। जूलॉजी मत सोचिएगा, ये तो जूलॉजी जेड डबल होता है जूलॉजी वाला, ये तो डॉक्टर उगर पढ़ता है, इसमें भेड़ बकरी आदमी मानव ये सबको पढ़ा जाता है, बॉटनी में पेड़ पौधा को, तो जूलॉजी अलग है, जियोलॉजी होता है। तो पृथ्वी जियोड शेप का है, ये भारत के विभाजन करने आए थे, दो दिन में भारत का विभाजन करके रख दिया ये आदमी। सोचिए ये भारत को कभी जानता नहीं था कि यहां कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, यहां कई धर्म रहते हैं, धर्म के नाम पर यहां कितनी लड़ाइयां लड़ी जाती हैं आजादी से पहले से लेकर आज तक में। ये आया टेबल पे भारत का नक्शा रखा और चालू कर दिया, यहां से ले लिया, इसने कहा कि भाई साहब ये वाला रहेगा, ये इधर से, ये इधर पाकिस्तान, एको इधर खींच दिया, ये हो गया बांग्लादेश, इसी का नाम हो गया कि सीरियल रेड क्लिफ, जिसे आप शॉर्टकट में रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। इसने कैसे किया, तो नक्शा लिया भारत का, जितने इधर पुलिस स्टेशन थे ना, सारे पुलिस स्टेशन पर इसे इसे डॉट डॉट बनाया, सबको खींच दिया, कहा कि लो इधर वाला पाकिस्तान, इधर तुम, इधर भी कहा इसको भी बांटना है, पूर्वी पाकिस्तान को भी, कोई दिक्कत नहीं, सारा पुलिस स्टेशन को मिलाया, घचाक से लाइन खींच दिया, हो गया। पता चला किसी का घर इंडिया में रह गया, खेत बांग्लादेश में चल गया, किसी का द्वारा इंडिया में है, आंगना चल गया बांग्लादेश में, अजब अजब कांड करके चल गया। अरे भाई इनका अपना रहता तब ना समझ में आता, यही कांड हो गया। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए।